जनपद संभल के गन्नौर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव ने जमकर विरोध किया और विरोधियों पर हमला बोला और कहा अगला पीएम यूपी से ही होगा, साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार को भी जमकर कोसा। साथ ही कहा कि 26 जनवरी की परेड में महात्मा गांधी की झांकी निकाली जाती है पर भाजपा नाथूराम गोडसे और उनके संगठन का विरोध नहीं करती है। साथ ही प्रियंका गांधी का स्वागत किया और कांग्रेस को बधाई भी दी। और जो हमारे संविधान सभा जिसकी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे, उन्होंने जो संविधान ड्राफ्ट करके हमारे देश को दिया है, उस संविधान की हम रक्षा कैसे करें? सवाल आज ये है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, देश का संविधान खतरे में है। और मैं आज कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार बनाती है तो देश का लोकतंत्र भी खतरे में है।